नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया और मैं हूं साक्षी धीमान। आज की ताजा खबर, 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची का शव ईंट की भट्टी से मिला और ये मामला राजस्थान से सामने आ रहा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने ये आशंका जताई है कि पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसे जिंदा आग की भट्टी में जला दिया गया। सूत्रों से पता चला है कि नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ बकरियां चराने गई, लेकिन रात होने तक जब बच्ची अपने घर नहीं पहुंची तो बच्ची के घर वालों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। राजस्थान पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उन्हें कोयला बनाने वाली भट्टी में बच्ची का जला हुआ शव बरामद हुआ। उसी के साथ साथ बच्ची के जूते और बच्ची का चांदी का कड़ा भी बरामद हुआ। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से सामने आया है जो न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को शर्मसार करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले राजस्थान में ही दर्ज किए जाते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां महिलाओं की सुरक्षा एक चिंता का विषय है। आए दिन हम रोज राजस्थान में हो रहे महिलाओं के दुष्कर्म के नए मामले सुनते हैं, लेकिन सवाल यहां प्रशासन से है कि आखिर कब तक राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। वह उस सरकार को यह सोच समझकर चुनती है कि उनकी राज्य का मुख्यमंत्री उनके राज्य व लोगों का विकास करेगा और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ये सोचकर महिलाएं सरकार चुनती हैं। लेकिन इस वक्त जनता जानना चाहती है कि आखिर सरकार कर क्या रही है और क्यों रोज महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें सरकार की नाकामयाबी तो है ही, लेकिन लोगों की इंसानियत और उनकी मंशा पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आखिर कब बदलेगी लोगों की मानसिकता और उनकी सोच महिलाओं के प्रति, इसके बारे में आप खुद सोच विचार कीजिएगा। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 10 इंडिया। नमस्कार।